Assalamu alaikum students, today we are going to discuss sexual reproduction in flowering plant. हाँ तो बेटा यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कस करेंगे. बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स एंड देयर फ्यूएन. प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, यू नो गैमेटोजेनेसिस एंड देयर फ्यूएन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स. गैमीट्स आर प्रोड्यूस इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्लांट बॉडी. तो बेटा ये गैमीट्स जो हैं ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होते हैं प्लांट बॉडी की, और ये मेल गैमीट भी होते हैं और फीमेल गैमीट्स भी होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन से अगर हम प्लांट्स की रिप्रोडक्शन को कंपेयर करें तो क्वाइट डिफरेंट प्रोसेसेस यहाँ पे अकर होते हैं, जिनको हम यहाँ पे तफसील से क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे. तो उन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स को हम आगे पढ़ते हैं कि वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं. तो बेसिकली बेटा प्लांट के कुछ पार्ट आपने डिस्कस किए होंगे, उनमें शामिल स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर, ठीक है, एक्सेट्रा, लीफ वगैरह. तो यहाँ पे जो प्लांट की स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है वो बेसिकली क्या है बेटा, फ्लावर है. तो यहाँ पे हम फ्लावर की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. तो फ्लावर इज़ द बेसिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. इट कंपोनेंट्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोल्स. तो बेसिकली जो फ्लावर के फिर यहाँ पे हम कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे वो रोल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं. तो बेटा ये टोटल जो हैं फोर रोल्स होते हैं, दो आउटर होते हैं और दो इनर रोल्स होते हैं. जो आउटर रोल्स होंगे बेटा इनको हम नॉन रिप्रोडक्टिव रोल्स का नाम देंगे, और जो इनर रोल्स होंगे आप उनको रिप्रोडक्टिव रोल्स का नाम देंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन रोल्स के नाम भी आने चाहिए. तो उनमें शामिल है बेटा कैलक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम. तो टोटल फोर रोल्स हैं, उनमें से जो दो रिप्रोडक्टिव रोल्स हैं वो इनर टू होते हैं, जिनमें शामिल है बेटा एंड्रोशियम और गाइनीशियम. एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, और गाइनीशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. और जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जो आउटर हैं वो कैलक्स और करोला होते हैं, जिनकी तफसील हम आगे आपको स्लाइड में बताएंगे. यहाँ पे प्लांट के इन रोल्स के बारे में दिखाया गया है, पेटल्स, सेपल्स, और उसके बाद जी टॉप व्यू भी दिखाया गया, इसका साइड व्यू भी दिखाया गया है. मेन पार्ट जो है यहाँ पे देखें कि स्टैमन जो है वो प्लांट का क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और जो कार्पल है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी. यहाँ पे फिर स्टैमन के पॉइंट्स को भी डिस्कस किया गया कि इसकी स्टॉक लाइक जो है, स्टेम लाइक जो है इसकी फिलामेंट होता है, और फिलामेंट के फ्री एंड पे आपको एंथर भी मिलेगा, और इसी एंथर में बेटा क्या मिलेंगे बेटा, पोलन ग्रेन्स बनते हैं. और इसी तरह फीमेल गैमेटोफाइट को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो बेसिकली कार्पल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है प्लांट की. इसके फिर पार्ट आप डिस्कस करेंगे. नीचे वाला जो पॉइंट है इसको बेसल ओवरी का नाम दिया जाता है. मिडल पॉइंट जो है वो स्टाइल है, और स्टाइल के ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा होता है. तो यहाँ पे देखें कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, जो आउटर पार्ट हैं, आउटर रोल्स हैं कैलेक्स और क्रोला हैं, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनमें शामिल है बेटा एंड्रोशियम और गाइनीशियम. अब यहाँ पे हम कैलेक्स को डिस्कस करेंगे बेटा. इट इज़ ग्रीन इन कलर. आउटर रोल्स होता है, आउटर मोस्ट रोल्स होता है ग्रीन इन कलर, और इट्स के जो यूनिट्स होंगे एंड इट्स यूनिट्स आर कॉल्ड सेपल्स. फिर हम जो आउटर रोल्स में से जो दूसरा रोल है वो क्या है बेटा, क्रोला. इट इज़ ऑफन बीइंग ब्राइटली कलर्ड एंड इट्स यूनिट्स आर कॉल्ड पेटल्स. तो बेसिकल जो प्लांट की पेटल्स होती हैं जो डिफरेंट कलर्स की आपको यहाँ पे नज़र आती हैं, ब्लू, पिंक वगैरह, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में भी अपना रोल प्ले करती हैं, तो वो बेसिकली क्रोला वाले पार्ट होते हैं. और जो नेक्स्ट क्या है बेटा, जो रिप्रोडक्टिव रोल्स हैं उनमें शामिल हैं एंड्रोशियम और गाइनीशियम. एंड्रोशियम बेसिकली बेटा मैंने बताया था कि इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट्स यूनिट्स आर कॉल्ड स्टैमन्स, एंड ईच स्टैमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर. गाइनीशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट्स यूनिट्स आर कॉल्ड कार्पल्स. ईच कार्पल कंसिस्ट ऑफ बेसल ओवरी, मिडल स्टाइल एंड स्टिग्मा. तो यहाँ पे इसको डायग्राम में भी दिखाया गया है. देखें बेटा आपको स्टैमन भी नज़र आ रहा है. देखें स्टैमन, नीचे वाले जो ग्रीन पार्ट हैं
ये आपको नज़र आ रहे हैं सेपल्स। सेपल्स के बाद जो ऑरेंज कलर की क्या हैं बेटा, पेटल्स हैं, ये दोनों आउटर मोस्ट रोल हैं। उसके बाद जो हम स्टैमन्स को पढ़ेंगे, फिर स्टैमन जो है एंड्रोशियम पे, एंड्रोशियम जो है एंड्रोशियम रोल में स्टैमन, इसके इंडिविजुअल पार्ट जो हैं, इंडिविजुअल यूनिट आपने उसको सैमन स्टैमन्स का नाम दिया था। उसमें देखें कि स्टेम लाइक आपको, और स्टेम लाइक जो है आपको फिलामेंट मिलेगा, और फिलामेंट के फ्री एंड पे आपको स्टैमन्स के फ्री एंड पे, यानी स्टैमन के जो दो पार्ट हमने यहाँ बेटा डिस्कस किए कि एक फिलामेंट होता है और फिलामेंट के फ्री एंड पे एंथर होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और ये क्या है कलेक्टिवली एंड्रोशियम है। फिर गाइनेशियम किस पे कंसिस्ट होता है बेटा, दरमियान वाला पोर्शन जो है आपको, जो यहाँ पे ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है, तो इसकी बेसल ओवरी होगी, मिडल स्टाइल होगी, और ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा बेटा, पार्ट स्टिग्मा होगा। अब यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली बेटा क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट जो है फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट, और प्लांट की अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो प्लांट जो हैं वो क्या होते हैं बेटा, ब्रायोफाइट्स भी होते हैं और ट्रेक्योफाइट्स भी होते हैं। ब्रायोफाइट जो हैं वो सिंपल प्लांट होते हैं, यानी कि वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, और उनमें वैस्कुलर स्ट्रक्चर जाइलम और फ्लोएम भी इतनी खास मौजूद नहीं होती। लेकिन ट्रेक्योफाइट्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रेक्योफाइट्स में आपको दो किस्म के प्लांट यहाँ पे मेनली बुक में डिस्कस किए गए हैं, जेम्नोस्पर्म्स हैं, और बेसिकली क्या है बेटा, एंजियोस्पर्म्स हैं। जेम्नोस्पर्म जो हैं वो क्या है बेटा, नेकेड सीडेड प्लांट होते हैं, और यहाँ पे एंजियोस्पर्म हमने डिस्कस करना है जो कि फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं। तो इनमें जो लाइफ साइकिल होता है इस फ्लावरिंग प्लांट का, बेसिकली ये कंसिस्ट करता है बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेसिकली क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ अकरिंग इन द प्लांट इन विच टू डिफरेंट जनरेशन अल्टरनेट विद ईच अदर। द टू जनरेशन आर स्पोरोफाइट जनरेशन विच इज रिप्लाइड एंड द अदर जनरेशन इज गेमेटोफाइट विच इज हैप्लाइड। बेसिकली क्या है बेटा, स्पोरोफाइट जनरेशन जो है यहाँ पे डिप्लाइड होती है, और ये एक डोमिनेंट जनरेशन है, प्रोड्यूस कर हैप्लाइड स्पोर प्रोड्यूस करेगी बाय मियोसिस। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, ओवरव्यू यहाँ पे देता चलूँ आपको कि स्पोरोफाइट डिप्लाइड जनरेशन है, इसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस के प्रोसेस के दौरान ये क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, हैप्लाइड स्पोर प्रोड्यूस करेगी। फिर ये हैप्लाइड स्पोर जो हैं इनमें क्या होती है बेटा, माइटोसिस होती है, और वो क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट जनरेशन। फिर गैमेटोफाइट जनरेशन में दोबारा से माइटोसिस होगी, और ये प्रोड्यूस करेगी गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स। फिर मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में क्या करते हैं बेटा, यूनाइट होते हैं, कंबाइन होते हैं, यानी फ्यूजन होता है, और क्या प्रोड्यूस होता है, जाइगोट। जाइगोट बेसिकली क्या होता है बेटा, डिप्लाइड होता है। डिप्लाइड जाइगोट में दोबारा से फिर क्या होगी बेटा, माइटोसिस होगी, और ये दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या होते हैं बेटा, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्पोरोफाइट बेसिकली डोमिनेंट, क्योंकि गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट से बनती है, तो इसी वजह से स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, और गैमेटोफाइट डिपेंडेंट जनरेशन है, जो बेसिकली किस पे, स्पोरोफाइट पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो स्पोरोफाइट जनरेशन इज अ डोमिनेंट जनरेशन एंड प्रोड्यूस हैप्लाइड स्पोर बाय मियोसिस, एंड गैमेटोफाइट जनरेशन बेसिकली क्या है बेटा, डिपेंडेंट जनरेशन है, जो कि डिपेंड करती है किस पे, स्पोरोफाइट पे। स्मॉल इन साइज होती है, और ये प्रोड्यूस करती है गैमीट्स स्पोरोफाइट से, बिकॉज स्पोरोफाइट है तो प्रोड्यूस स्पोर, एंड गैमेटोफाइट्स गैमीट से निकला तो इट प्रोड्यूस गैमीट्स। ये देखें लाइफ साइकिल आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, देखें मैंने आपको बताया कि स्पोरोफाइट नीचे आपको नज़र आ रहा है, डिप्लाइड थी, टू एन थी, इसमें मियोसिस हुई, और मियोसिस होने के बाद स्पोर एन यानी कि हैप्लाइड स्पोर प्रोड्यूस किए। हैप्लाइड स्पोर्स में फिर क्या हुआ बेटा, माइटोसिस हुई, और माइटोसिस से क्या बना, गैमेटोफाइट बनी। देखें स्पोरोफाइट से ही गैमेटोफाइट बनेगी, बिकॉज स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट जनरेशन है, और गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंड कर रही है स्पोरोफाइट पे। तो गैमेटोफाइट फिर क्या होगी, इसमें माइटोसिस होगी, माइटोसिस के प्रोसेस के दौरान जो है गैमीट्स बनेंगे, ये गैमीट्स का फिर क्या होगा बेटा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में दोबारा माइटोसिस होगी, और एक दोबारा स्पोरोफाइट। तो ये वन जनरेशन अल्टरनेट विद अनदर जनरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो रही है, स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई और वह कन्वर्ट होगी गैमेटोफाइट में, गैमेटोफाइट में दोबारा से माइटोसिस होगी, गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, वो गैमेट्स कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में फिर माइटोसिस होगी, और वो दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन बना लेगा। तो ये इसी तरह लाइफ साइकिल प्लांट्स का जो है ये चलता रहेगा।
अब लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा माइक्रोस्पोर को और मैक्रोस्पोर, मेगास्पोर्स को। माइक्रोस्पोर बेसिकली क्या है बेटा, पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स को दूसरे वर्ड्स में आप माइक्रोस्पोर का नाम देंगे। तो ये एंड्रोशियम यानी हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव रोल था, जिसको आपने एंड्रोशियम का नाम दिया था, और इसके इंडिविजुअल यूनिट को आपने स्टैमन्स का नाम दिया था। स्टैमन में आपको फिलामेंट मिला था और एंथर मिला था। फिलामेंट के फ्री एंड पे जो एंथर है, एंथर में ही बेटा क्या प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। इनसाइड द पोलन सैक ऑफ एन एंथर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और बेसिकली हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बेसिकली क्या है बेटा, पोलन ग्रेन्स हैं। और मेगास्पोर जो हैं, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे कंसिस्ट करेगा, और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल जो है वो गाइनीशियम है, और इसके इंडिविजुअल यूनिट्स को आपने कार्पल का नाम दिया था, जो कि बेसल ओवरी, मिडल जो है ये स्टाइल पे, और ऊपर वाला जो पार्ट था उसका स्टिग्मा था। तो इनसाइड ओवरी वन, ओवरी ही बेसिकली क्या है, ओवरी में ही ओव्यूल बनेंगे, और वो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं दोबारा से सीड में। इनसाइड ओवरी वन टू मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ईच ओव्यूल हैज़ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस बाय मियोसिस। तो दोनों में मियोसिस के थ्रू, अब माइक्रोस्पोर जो है एंथर में जो है वो पोलन ग्रेन्स यानी माइक्रोस्पोर मियोसिस के थ्रू बने थे, और जो मेगास्पोर हैं वो ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल मौजूद होते हैं, और वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे मियोसिस के थ्रू। वो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा और ये मेगास्पोर, और ये डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया भी है कि गाइनीशियम की स्ट्रक्चर भी दिखाई गई है और एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर भी दिखाई गई है। देखें आपको स्टेमन जो है एंड्रोशियम के, ये आपको जो है राइट साइड पे जो डायग्राम दिखाई दे रही है कि इंडिविजुअल पार्ट जो है स्टेमन को क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि स्टैमन के इंडिविजुअल यूनिट एंथर और फिलामेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। देखें कि एंथर में जो है यहाँ पे माइक्रोस्पोरिंजिया, माइक्रोस्पोरिंजिया क्या होती है बेटा, सैक होती है जिसमें माइक्रोस्पोर क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, और माइक्रोस्पोर को मैंने आप बताया कि पोलन ग्रेन्स का भी नाम देते हैं, और ये मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होंगे। और उसके बाद जो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको लेफ्ट साइड पे एक गाइनीशियम की इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई गई है, या आउटर स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं, कि इसके इंडिविजुअल यूनिट्स को आपने कार्पल का नाम दिया था, और हर कार्पल जो है नीचे वाली जो ओवरी है, ओवरी के बाद स्टाइल है, स्टाइल के बाद क्या है बेटा, स्टिग्मा, और ओवरी में ही क्या बनते हैं बेटा, ओवरी में ही क्या होती है, मेगास्पोरिंजियम यानी कि सैक जो होगी जिसमें मेगास्पोर बनेंगे, ये मेगास्पोरिंजियम इसको नाम देंगे, और इसमें एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल मौजूद होते हैं जो कि मेगास्पोर क्या करेंगे बेटा, प्रोड्यूस करेंगे। अब आपके पास जो है प्रोडक्शन, जो कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। अब आप देखें कि मेल और फीमेल गैमीट्स हम पहले प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद उनकी क्या कराएंगे बेटा, फ्यूजन कराएंगे, जिसको आप फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हम मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट, मेल और फीमेल गैमीटोफाइट में हम बेसिकली क्या करेंगे बेटा, गैमीट्स प्रोडक्शन कराएंगे, ठीक है। मेल गैमीटोफाइट जो है वो मेल फ्लावरिंग गैमीट प्रोड्यूस करेगा, और फीमेल गैमीटोफाइट जो है वो फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करेगी। तो आइए देखते हैं बेटा, द न्यूक्लियस ऑफ अ माइक्रोस्पोर अंडरगो माइटोसिस। तो माइक्रोस्पोर के न्यूक्लियस में माइटोसिस होगी एंड प्रोड्यूस टू न्यूक्लियाई, और उन न्यूक्लियाई में क्या मौजूद होते हैं बेटा, ट्यूब न्यूक्लियस एंड जेनरेटिव न्यूक्लियस विच प्रोड्यूसेस टू स्पर्म्स बाय माइटोसिस। तो फीमेल गैमीटोफाइट में बेसिकली क्या हुआ, जो माइक्रोस्पोर आप ऊपर वाली स्लाइड में प्रोड्यूस हमने किए थे, तो उन माइक्रोस्पोर में बेसिकली माइटोसिस हुई। तो बात यहाँ पर याद रखने की जो है, तो जब उसमें माइक्रोस्पोर में माइटोसिस हुई, तो उन्होंने टू न्यूक्लियाई क्या किए, प्रोड्यूस किए। तो उनमें से एक न्यूक्लियाई था ट्यूब न्यूक्लियस एंड जेनरेटिव न्यूक्लियस विच प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय माइटोसिस, और इसके जेनरेटिव जो मज़ीद फिर जो है माइटोसिस के थ्रू क्या प्रोड्यूस करेंगे, टू स्पर्म।
फीमेल गैमेटोफाइट जो है, या आपको पता है कि माइक्रोस्पोर्स जो हैं, माइक्रो तो थे मेल और मैक्रो जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट यानी इसके जो माइक्रोस्पोर ऊपर बना के आए हैं वो प्रोड्यूस करेंगे एग सेल एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर बाय माइटोसिस। अब यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को मज़ीद डिस्कस किया गया है पोलिनेशन को। पोलिनेशन क्या होती है बेटा? बेसिकली द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। अब एंथर क्या है? मेल पार्ट है, और स्टिग्मा जो है वो फीमेल पार्ट है। तो फीमेल मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स का, माइक्रोस्पोर का मेगास्पोर यानी ओव्यूल तक पहुँचना जो है वो क्या कहलाता है बेटा? पोलिनेशन कहलाता है। तो वैन पोलन ग्रेन जब देखें बेटा कि अब जब हमारी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी तो फिर उनका हमने ट्रांसफ़र कराना है, और ट्रांसफ़र कराने के बाद उनका फ्यून कराना है ताकि उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाए। वैन पोलन ग्रेन मैच्योर, जब ये मैच्योर हो जाते हैं दे आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा। तो इनको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पर क्या कर दिया जाएगा बेटा? ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वेयर ट्यूब न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन मेक्स अ पोलन ट्यूब। जो ट्यूब न्यूक्लियस होगा पोलन ग्रेन का, बिकॉज हमने इसमें मेल गैमेटोफाइट में पढ़ा था कि तो माइटोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर में एक ट्यूब न्यूक्लियस बना था और दो स्पर्म बने थे। तो जब पोलन ग्रेन्स जो हैं स्टिग्मा पे गिरेंगे तो क्या होगा बेटा? इसका पोलन ग्रेन्स का जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब को क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट करेगा। दिस ट्यूब एंटर द ओव्यूल, ये ओव्यूल में क्या होगी? एंटर होगी। अब देखें अचानक से तो नहीं एंटर होगी, तो स्टेप बाय स्टेप जो है ये पोलन ट्यूब जो है इलांगेट होगी, और इलांगेट होती हुई स्टिग्मा से स्टाइल में, स्टाइल से फिर ओवरी में, और ओवरी में मौजूद ओव्यूल तक पहुंच जाएगी जहां पे एग सेल मौजूद होते हैं। वेयर ट्यूब न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन्स मेक्स अ पोलन ट्यूब, तो पोलन ट्यूब जो है द पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल यानी कि इनलार्ज होगी और ओव्यूल तक पहुंच जाएगी, और जब वो पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचेगी वहां पे क्या हो जाएगी बेटा? बस्ट हो जाएगी एंड रिलीज स्पर्म, और दो स्पर्म जो हैं वहां पे क्या कर देगी? रिलीज कर देगी। अब डबल फर्टिलाइजेशन के, अब जब पोलन ट्यूब जो है बस्ट होगी, अब यहाँ पर बेटा क्या है? दो स्पर्म हैं। क्या है बेटा? दो स्पर्म हैं। तो एक स्पर्म जो है एग सेल के साथ कंबाइन कर जाएगा यानी कि यूनाइट हो जाएगा, फ्यून कर जाएगा, और दूसरा स्पर्म जो है वो फ्यून न्यूक्लियस के साथ, डिप्लॉइड फ्यून न्यूक्लियस जो किसका था बेटा? मेगास्पोर जो डिवाइड होकर उसने एग और फ्यून न्यूक्लियस बनाया था। तो एक तो एग सेल के साथ रिएक्शन करके जायगोट बन जाएगा, और दूसरा जो है स्पर्म जो है वो फ्यून न्यूक्लियस के साथ कंबाइन होकर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसको एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का भी नाम दिया जाएगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन बेटे क्या है? तो दो फर्टिलाइजेशन होगी, बिकॉज दो स्पर्म जो हैं वो क्या होंगे? फ्यून करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। और फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है बेटा? फ्यून ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो वन स्पर्म यानी वन मेल गैमीट जिसको स्पर्म का नाम दिया फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट। अब इसका तो काम हो गया कि एक स्पर्म एग के साथ मिलकर जायगोट बना लेगा। Then another sperm fuses with a diploid fewer nucleus. तो दूसरा जो sperm है वो क्या करेगा बेटा? Fuse करेगा diploid fewer nucleus के साथ, और क्या बना देगा? Triploid nucleus, जिसको आप endosperm nucleus का नाम देंगे। यहाँ पे diagram में भी दिखाया गया कि ये tube nucleus, देखें pollen grain left side से ये diagram start हो रही है, तो pollen grain देखें sigma पे जब गिरा, fall किया, तो इन्होंने क्या की? पोलन ट्यूब कंस्ट्रक्ट की, और पोलन ट्यूब में क्या थे बेटा? दो स्पर्म थे, उनमें से एक स्पर्म ने किसके साथ? एग सेल के साथ क्या मिलके? जायगोट बना लिया, और दूसरे ने फ्यून न्यूक्लियस के साथ मिलके ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू। अब यही एंडोस्पर्मिक जायगोट जो है वो डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो को ग्रोइंग स्टेज में किसकी ज़रूरत होगी बेटा? फूड की ज़रूरत होगी। तो एंडोस्पर्मिक टिश्यू इसको अर्ली स्टेजेस में फूड प्रोवाइड करने का क्या होगा बेटा? मेन सोर्स होगा। अब फिर जो जायगोट बना, मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें जायगोट डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म बेसिकली क्या, किस लिए कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? ताकि इस एम्ब्रियो को अर्ली स्टेजेस में फूड प्रोवाइड की जाए। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। जायगोट डिवेलप इन टू एम्ब्रियो, जायगोट में डिवीजन हुई और कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो में, एंड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच डिवेलप इन टू एंडोस्पर्म टिश्यू। अब एंडोस्पर्म टिश्यू में क्या होगी बेटा? स्टोर्ड फूड होगी फॉर द
early growing of embryo. Formation of seed and fruit. Ovule जो हैं वो बेटा convert हो जाएंगे seed में and ovary change into fruit. Ovule जो है वो change हो जाएगा seed में और ovary पक के ripen होके किस में convert हो जाएगी fruit में. Formation of new plant. और फिर new plant कैसे होगा अब देखें. Production of seed यानी seed का बनना मतलब sexual reproduction का plants में क्या हो जाना बेटा complete हो जाना. और seed ही आपको पता है क्या होगा इसी को आप सॉइल में ग्रो करोगे और इसे नए प्लांट क्या करते हैं बेटा बना लेते हैं. तो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट यहाँ पे हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है. व्हेन सीड मैच्योर एंड डिस्पर्स्ड डबल ड्यूरिंग सॉरी ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन एम्ब्रियो डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. अब ये फेवरेबल कंडीशन क्या होंगी अब सीड ऐसे तो नहीं उग जाएगा उसके लिए आपको पता है कि कंडीशंस रिक्वायर होती हैं. कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन रूम टेम्परेचर आपका 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए. उसके बाद वाटर होना चाहिए या मॉइस्चर मिलनी चाहिए और उसके बाद ऑक्सीजन भी मिलनी चाहिए तो तब जाके सीड क्या होगा बेटा ग्रो होगा. वरना सीड क्या होते हैं डॉर्मेंट रहते हैं और नहीं उगते. तो ये बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट था. नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम आगे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन को भी क्या करेंगे बेटा डिस्कस करेंगे या एनिमल्स. ठीक है अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.